देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ खुद पीएम मोदी भी गुजरात का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे। बुधवार को ही एक बार फिर गुजरात आए पीएम मोदी ने इस बार गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस का शुभारंभ किया, जो गुजरात के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इसके तहत अगले 4 सालों में 50,000 क्लासरूम्स, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम्स, 5,000 अटल टिकरिंग लैब और 20,000 कंप्यूटर लैब्स बनाए जाएंगे। लेकिन अब इन्हीं स्कूलों की वजह से गुजरात की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ जहां जोर शोर से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी स्कूल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मोदी विरोधी भी पीएम मोदी को कोसने के काम में जुट गए, खासकर उस स्कूल को लेकर जहां बेंच पर बच्चों के साथ पीएम मोदी बैठे थे। देश की राजनीति में पीएम मोदी के विरोधियों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक सियासी विरोधी हैं जिनके हमले का पीएम मोदी रोज सामना करते हैं, मगर बात सियासी विरोधियों तक सीमित रहती तो और बात होती। एक पूरी जमात है जो पीएम मोदी के काम में मीन मेक निकालने में जुटी रहती है। तभी तो बुधवार को पीएम मोदी ने जब गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तहत स्मार्ट स्कूलों का शुभारंभ किया तो ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे मोदी विरोधी इस काम में भी कमियां खोजने में जुट गए। ध्रुव राठी को तो ये स्कूल ही कार्डबोर्ड से बना हुआ नजर आया और पीएम मोदी के स्कूल में बैठने को पीआर स्टंट बताते हुए एक ट्वीट में लिखा, ये आज तक का सबसे मजाकिया पीआर है। क्लासरूम में फर्जी खिड़की है, एक पतले से कमरे में सिर्फ 6 बच्चे हैं, सभी दीवारें कार्डबोर्ड की लग रही हैं और बच्चों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। एक और ट्वीट में ध्रुव राठी ने लिखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोटोटाइप है और अगर ये सच है तो ये और भी शर्मनाक है। गुजरात में 27 साल के शासन के बाद वे केवल एक स्मार्ट क्लासरूम का एक प्रोटोटाइप दिखा सकते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाए जाने में माहिर माने जाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने क्लासरूम का मजाक उड़ाया तो लगे हाथ खुद को सो कॉल्ड कॉमेडियन कहने वाले कुणाल कामरा ने भी मोदी को कोसने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने भी ध्रुव राठी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, वो खिड़की के बाहर मुझे बादल दिख रहे हैं, मैंने सोचा बादल है, उनके रडार में आएगा नहीं, फायदा ले सकते हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने रडार का जिक्र कर पीएम मोदी का मजाक इसलिए उड़ाया। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा एक किस्सा बताते हुए कहा था, मैं दिन भर व्यस्त था, रात 9 बजे रिव्यू किया, फिर 12 बजे रिव्यू किया, हमारे सामने समस्या थी, उस समय मौसम अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, विशेषज्ञ हमले की तारीख बदलना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि इतने बादल हैं, बारिश हो रही है तो एक फायदा है कि हम रडार से बच सकते हैं। सब उलझन में थे कि क्या करें, फिर मैंने कहा बादल है, जाइए, और सेना चल पड़ी। दरअसल पीएम मोदी के बयान का मतलब था कि बालाकोट हमले के दौरान बादलों का फायदा भारतीय सेना ने तकनीक रूप से उठाया और भारतीय मिराज पाकिस्तान रडार से बच सका और लक्ष्य पर हमला करने में कामयाब हुआ। जबकि फिजिक्स में अब तक छात्रों को ये पढ़ाया जाता रहा है कि रडार किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम होता है और ये अपनी सूक्ष्म तरंगों के जरिए विमान का पता लगा लेता है। यही वजह है कि इस बयान की वजह से पीएम मोदी को खूब ट्रोल किया गया था और आज पीएम मोदी ने गुजरात में स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया तो उसके क्लासरूम को देखकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी पीएम मोदी के रडार वाले बयान के बहाने मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा, वो खिड़की के बाहर मुझे बादल दिख रहे हैं, मैंने सोचा बादल है, उनके रडार में आएगा नहीं, फायदा ले सकते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां पीएम मोदी ने गुजरात को स्मार्ट क्लासरूम से सजे स्कूल ऑफ एक्सलेंस की सौगात दी तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे विरोधी जिस तरह से पीएम मोदी का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही स्कूल ऑफ एक्सलेंस के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5th जनरेशन यानी 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की 1G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है।
हर जनरेशन के साथ सिर्फ पीढ़ी नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। साथियों, इस प्रकार हमने देश में स्कूलों की भी अलग अलग जनरेशन को देखा है। आज 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि इसके लिए गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है। मैं भूपेंद्र भाई को, उनकी सरकार को, उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, शिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धुरी रही है। हम स्वभाव से ही नॉलेज के, ज्ञान के समर्थक रहे हैं, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई। सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज बनाई, विशालतम लाइब्रेरी स्थापित की। हालांकि फिर एक दौर आया जब आक्रांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान छेड़ा, लेकिन शिक्षा को उस विषय में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा, मजबूत आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। जुल्म सहे, लेकिन शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है। आजादी के अमृतकाल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वापस लाने का अवसर है। भारत के पास दुनिया की श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनने का भरपूर सामर्थ्य पड़ा है, अवसर भी इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सदी में साइंस से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकांश इनोवेशन, अधिकांश इन्वेंशन भारत में ही होंगे। और मैं जब कहता हूं, उसका कारण मेरा मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश के नौजवानों के टैलेंट पर मेरा भरोसा है। इसलिए ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं। इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा अवसर है।